हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काजू की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर हमने काजू लिए हैं, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, दो भाग में कर लिया है काजू को मैंने। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। हम घी में रोस्ट करेंगे काजू को। अब जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा, इसमें हम डाल देंगे काजू। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें काजू डाल देंगे। तो हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे घी में। फ्राई किए हुए काजू बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं आज आपको जो मैंने येलो प्रीमिक्स बनाया था, उसके साथ काजू की रेसिपी शेयर करूंगी। वो प्रीमिक्स वाली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। प्रीमिक्स डाल के ही मैंने आज काजू की सब्जी बनानी है। तो आप भी वो प्रीमिक्स बना कर रख सकते हैं और आराम से होटल जैसी सब्जियां अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। तो काजू हमारे रोस्ट हो रहे हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर 5 से 6 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैं बारीक प्यूरी बना लूँगी। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। और हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। हम सारे मसाले मिक्स कर देंगे और इसको लिड लगाकर पकने देंगे, क्योंकि टमाटर फिर हमारे ऊपर उड़ता है, इसलिए हम इसको लिड लगाकर पका लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है प्रीमिक्स, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, हुई है। हमने 3 चम्मच प्रीमिक्स लिया है, इसको हम दूध से घोल लेंगे। तो इसमें हम दूध डाल दिया है और इसको घोल कर रख लेंगे। ये इस टमाटर की ग्रेवी में हम ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर की ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें प्रीमिक्स जो दूध में घोलकर तैयार कर रखा है, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से चला लेंगे। और अब फिर इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। फिर देखना आप, इसका सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो हम इसको ढक देंगे। इस प्रीमिक्स से बहुत ही टेस्टी रिच फ्लेवर वाली ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया मसाला पका है हमारा। ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है, ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें काजू डाल देंगे। तो काजू मैंने यहाँ पर फ्राई करके रख रखे हैं, काजू डाल दूँगी इसमें। और बच्चे काजू नहीं खाना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़े से इसमें पनीर क्यूब्स भी ऐड करूँगी। सागर काजू नहीं खाता है, इसलिए मैं इसमें 3-4 टुकड़े पनीर के भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी इसको आराम से बनाकर खा सकते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है। आप ये वाला प्रीमिक्स घर पे बना सकते हैं और होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी रिच ग्रेवी वाली सब्जियां घर पे भी बना सकते हैं। अब इस स्टेज में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी ऑलरेडी हमारे प्रीमिक्स में मौजूद है, फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी और इसको गर्म पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। लीजिए, ये बनकर तैयार हो गई है हमारी काजू पनीर की टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सब्जी।
अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे, फिर इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो मैं इसको ढक देती हूँ और हरा धनिया इस पे गार्निश कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी काजू पनीर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी चाहे बनाकर खा सकते हैं। तो हमारे बच्चों की फरमाइश पे आज नान बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब हमने गैस बंद कर दिया और कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है काजू पनीर की। तो आप भी इस प्रीमिक्स की हेल्प से घर पे आराम से बना सकते हैं। अब हम नॉर्मल आटे के ही नान बना लेते हैं। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी आटे की हमने नान बना ली है। काजू और पनीर की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जी फ्रेंड्स आज का हमारा डिनर तैयार है, काजू पनीर की सब्जी, सैलेड और नान। तो रेस्टोरेंट जैसी रिच ग्रेवी वाली सब्जी आप घर में आराम से बनाकर खा सकते हैं और उसके साथ हमने आटे के नान बनाए हैं। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।